हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने अर्थव्यवस्था के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में घूम फिर के पूछे जाते रहते हैं, मतलब बार बार जो है ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अर्थव्यवस्था से यानी इकोनॉमिक्स से मैंने क्वेश्चन लिए हैं 50 इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी एग्जाम हो, SSC का हो या रेलवे का या कोई भी एग्जाम हो, आपको ये क्वेश्चन देख करके जरूर जाने हैं किसी भी एग्जाम से पहले। और इसका एक और पार्ट मैं अपलोड करूंगा कल या परसों में, वो आपको मिल जाएगा। तो ये दो वीडियो रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अर्थव्यवस्था के यानी इकोनॉमिक्स के, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो, इसको आप पूरा ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं इस वीडियो को, चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो मैंने एक क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और इसके PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का जनक किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। चलिए आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर है प्रतियोगिता की उपस्थिति। प्रतियोगिता की उपस्थिति से प्राय है, मतलब अर्थशास्त्र में बाजार से। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये आपको देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत एक कैसा देश है, विकासशील देश। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत की जो कृषि है उसमें अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, कैसी, अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट है आगे लिखा हुआ है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है जिसमें मतलब 12 महीने रोजगार ना मिले, साल के कुछ महीने व्यक्ति जो है बेरोजगार रहे। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। तो ये है हैदराबाद में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। तो अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था आपको बताना है। इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना, तो गरीबों से संबंधित था यह कार्यक्रम। तो गरीबों में जो सबसे गरीब है उसकी मदद करना इस कार्य का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जो निर्धनता है वो कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। और बिहार में सबसे ज़्यादा निर्धनता है, ठीक है। आगे है यहाँ पर, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो किसका वार्षिक प्रकाशन है, ये है IBRD यानी विश्व बैंक का, विश्व बैंक का ये जो है वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसकी देन है। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा महबूब उल हक की। तो ये महबूब उल हक ने दिया था मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने राज्य स्तरीय मानव विकास सूचकांक जो है जारी किए थे सबसे पहले। चलिए आगे देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है जहाँ पर आयात निर्यात बंद हो, मतलब न तो माल बाहर जा सकता है और न ही बाहर से लिया जा सकता है, उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, तो किसने लगाया था, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। आगे है यहाँ पर,
राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और ये 2016 में पूछा गया है एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। आगे देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, तो ये भी आपको याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 1951 में। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा जो भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान है वो है विनिर्माण क्षेत्र का। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है विनिर्माण क्षेत्र का जो है सबसे ज्यादा योगदान होता है भारत की राष्ट्रीय आय में। आगे देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सबसे ज्यादा जो है राष्ट्रीय आय कहाँ से आती है? सेवा कर से, सॉरी सेवा क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, प्रमुख स्रोत जो है सेवा क्षेत्र है और सबसे ज्यादा योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। चलिए आगे देखते हैं, देश में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? तो कौन सी बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय। किसी देश को आर्थिक विकास कैसे मापते हैं? उस देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात करके, ठीक है। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय ही मतलब अच्छी होना, उस देश का आर्थिक विकास अच्छा होना माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति जो 1949 में गठित की गई थी और पीसी महानलोविस जो है उसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है भारत में? ये की जाती है चालू एवं स्थिर दोनों मूल्यों के आधार पर, चालू एवं स्थिर दोनों मूल्यों के आधार पर की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना। नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी एम विश्वेश्वर रैया ने, सन 1934 में। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया है सबसे पहले। नेक्स्ट है, भारत में योजना से संबंधित पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो योजना से संबंधित जो पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? एम विश्वेश्वर रैया को। नेक्स्ट है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? बी एस मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? बी एस मिन्हास। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और आगे देखते हैं हम यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 2017 में पंचवर्षीय योजना में से रिलेटेड, ठीक है। एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ सबसे पहले यहाँ पर फैक्ट रखता हूँ मैं आपके सामने, कुछ क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब तो इसको समाप्त कर दिया गया है 2015 से, ओके, तो उसके स्थान पर कर दिया गया है नीति आयोग। तो इसकी जो योजना की जिम्मेदारी, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? योजना आयोग की। और इसकी ड्राफ्ट रूपरेखा अनुमोदन कौन करता है? ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो हुई थी वो 1938 में हुई थी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं समय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चीज़ पर आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और 2017 में कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, रिपीट भी हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सब एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की स्थापना यानी शुरुआत हुई थी 1951 से। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1951 से। और कब तक रही थी? 1956, क्योंकि 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है ये, तो 1951 से 56 तक रही पहली पंचवर्षीय योजना। और ये थी हेरार्ड डोमर मॉडल पर आधारित, तो ये भी आपको याद रखना है जो मैंने लिखे हुए हैं इधर, किस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी उसके बाद आती है 1956 से 1961 तक, तो ये थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और आगे है 1961 से 1966 तक, तो ये भी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी और तीसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पहली थी हेरार्ड डोमर मॉडल पर। तो ये आपकी तीन हो गई। फिर उसके बाद 3 वर्ष का अवकाश आ गया था यहाँ पर। फिर उसके बाद शुरू हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 यानी 69 से, और ये 74 तक रही थी, गार्डगिल मॉडल पर आधारित थी। और पांचवी थी आपकी 1974 से,
1979 तक डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। तो ये जो पांच जो इधर लिखे हुए किस मॉडल पर आधारित थी, पांचों इंपॉर्टेंट है, ये पांचों ही जो रिपीट होते रहते हैं। और ये भी साथ में आपको याद रखना है कौन सी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो मोस्टली आपको सबसे पहली वाली तो जरूर याद रखना है, 1951 से 1956 तक। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको अवकाश कब रहा था, यहाँ से 1966 से 69 तक, ये जो बीच का जो टाइम रहा है 1966 से 69 तक, यहाँ पर अवकाश रहा था 3 वर्ष का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, सातवीं आपकी 85 से 90 और 92 से 97, फिर 97 से आपकी 2002, फिर 2002 से 10वीं पंचवर्षीय योजना 7 तक चली, 11वीं आपकी 7 से 2012 और फिर 12वीं आपकी 2012 से 2017 तक थी, लेकिन इसको 2015 में समाप्त कर दिया गया था, तो ये यहीं तक समाप्त हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर हो गया प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनता है टाइम से रिलेटेड कि पहली पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो ये 1951 से 1956 तक रही थी। आगे है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता दी गई थी, तो किसको प्रमुखता दी गई थी, कृषि को। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी। दूसरी की अगर बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्रमुखता दी गई थी, तो यह दी गई थी औद्योगिकरण को, ठीक है, उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रमुखता दी गई थी। और इसमें लोहे संयंत्र लगाए गए थे, जो लोहा स्टील प्लांट है वो लगाए गए थे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये 3 स्टील प्लांट जो है लगाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था, तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आर्थिक आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि नाबार्ड की स्थापना किस योजना के दौरान हुई, तो ये हुई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे है, अब तक योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश रहा है, तो 3 बार योजना अवकाश आया है अब तक, ठीक है, वहाँ पर आप टाइम देख लेंगे जो भी योजना अवकाश रहा है। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। इसका पार्ट 2 और मैं आपको अपलोड करूंगा और उसमें भी आपको लगभग 50 क्वेश्चन दूंगा। किसी भी एग्जाम से पहले आप इन वीडियो को जरूर देख के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।